टीम इंडिया इंग्लैंड के साथ तीसरे टेस्ट की तैयारी में जुट गई है। भारतीय टीम हेडिंग्ले पहुंच गई है, जहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट 25 अगस्त से खेला जाना है। टीम इंडिया ने हेडिंग्ले पहुंचकर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। भारत ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 151 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है और उसकी नजरें अगले मुकाबले को भी जीतने पर है। पहले टेस्ट में भी टीम इंडिया आगे चल रही थी, लेकिन बारिश के कारण 5वें और आखिरी दिन का खेल धुल गया था। इसी बीच बीसीसीआई ने ट्विटर पर भारतीय टीम के अभ्यास की खबर शेयर की और कैप्शन देते हुए लिखा, टर्निंग द हीट एट हेडिंग्ले। टीम के सीनियर खिलाड़ी जिसमें कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन मौजूद रहे। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी सीरीज पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस टेस्ट में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। इस टेस्ट मैच की खास बात यह है कि हेडिंग्ले जहां तीसरा टेस्ट खेला जाना है, वहां टीम इंडिया ने आखिरी बार 19 साल पहले इंग्लैंड से टेस्ट मैच खेला था। उस समय का कोई भी खिलाड़ी अब टीम इंडिया में नहीं है, यानी सभी खिलाड़ी पहली बार इस मैदान पर उतरने वाले हैं। इससे टीम इंडिया के लिए मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन टीम इंडिया के सभी दिग्गज खिलाड़ी इस सीरीज में हैं, इसलिए इससे पार पाना उनके लिए ज्यादा दिक्कत तलब नहीं होने वाला, ऐसा माना जा सकता है। तीसरा मैच 25 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 16 अगस्त को समाप्त हुआ था। इसके बाद दोनों टीमों को आराम करने और रणनीति पर चर्चा करने का पूरा वक्त मिल गया है। अभी तक दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच खेले गए हैं, उसमें कम या ज्यादा बारिश का असर जरूर देखने के लिए मिला। तीसरे टेस्ट में मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उससे साफ है कि ये मैच भी बिना बारिश के नहीं निकलेगा, यानी बारिश तो होगी ही, लेकिन पहले या दूसरे दिन नहीं बल्कि तीसरे दिन। हालांकि पहले और दूसरे दिन भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तीसरे दिन अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस मैदान पर पिछले लंबे समय से कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ है, इसलिए ये भी कह पाना मुश्किल है कि मैच में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी या स्पिनर्स को। बारिश के बाद मैच का रुख पलट सकता है, वहीं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में भी कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकेंगे। अब मैच में 2 ही दिन का वक्त शेष है, इसलिए टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। तो देखते हैं कि टीम में क्या कुछ फेरबदल होता है। जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारे चैनल NN Sports को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर हम फिर आएंगे।